फिरौन से बड़े बादशाह हैं आप, फिरौन से बड़े हुक्मरान हैं आप, चंगेज़ खान का नाम आपने सुना, चंगेज़ खान ने कसम खाई थी मुसलमानों को कत्ल खत्म करने की। अब तो बहनों और भाइयों उत्तर प्रदेश में कोई सड़क पे नमाज भी नहीं पढ़ता, अब आप मस्जिदों के भी माइक उतर गए। अच्छा, अगले 5 वर्ष में आप देखेंगे कि लोग भूल ही जाएंगे कि ये भी कोई चीज होती थी, कि चिल्लाहट होती थी, लोग परेशान होते थे, लोग भूल जाएंगे। बहुत खूब योगी जी, बहुत खूब, क्या बात है यार, क्या राजनीति कर रहे हैं आप, क्या राजनीति कर रहे हैं आप। चिल्लम चाट लग रही है अजान आपको, 2 मिनट की अजान आपको चिल्लम चाट लग रही है। अब रोटो पर भी आपने नमाजें बंद करवा दी, 2 मिनट की जुमे की नमाज से आपको परेशानी होती है, 2 मिनट की अजान आपको चिल्लम चाट लग रही है। दो दो महीने लगातार आपकी कांवड़ यात्राएं निकलती हैं, लोग परेशान रहते हैं, बड़े बड़े हाईवे ब्लॉक रहते हैं, हर एक किलोमीटर के बाद जाम लगा रहता है, लोग परेशान होते हैं, कोई कहीं एमरजेंसी में जा रहा होता है, कोई कहीं एम्बुलेंस में पड़ा होता है, अस्पताल जाने के लिए देर हो रही होती है उसको, लोग इतना परेशान होते हैं। कांवड़ यात्रियों के हाथ में मोटे मोटे डंडे होते हैं, सवारी जो यात्री होते हैं वो परेशान होते हैं, वो डरते भी हैं, घबराते भी हैं। आप यहाँ पर क्यों नहीं बोलते, यहाँ पर क्यों नहीं समझाने की बात करते, यहाँ पर कोई आपने बयान क्यों नहीं दिया अभी तक? आप क्या नहीं कह सकते कि 2-4 लोग चले जाएं कांवड़ यात्रा लेकर, आप हाजिरी हो जाएगी, काफ़ी इतना दर्शन हो जाएगा, क्यों यहाँ पर क्यों नहीं बोलते आप? क्योंकि आपका धार्मिक मामला है। आप तो योगी आदित्यनाथ जी, सबसे पहली चीज़ तो आप पैरों से लेकर सर तक एक धार्मिक इंसान हैं, भगवादारी हैं आप, एक धार्मिक इंसान हैं। और दूसरी चीज़, आप CM हैं उत्तर प्रदेश के, हमारे मुख्यमंत्री जी हैं आप, आप किस तरह की बात करते हैं, आप कैसी राजनीति करते हैं, आपके जबान से आपके मुंह पर ये बात शोभा नहीं देती है, ये इस तरह की बात क्यों करते हैं आप? क्या लगता है आपको, आप सत्ता के लिए कर रहे हैं सब कुछ, ये आप टेंशन ले रहे हैं? आप परेशान ना हो, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं, आप किस बात की टेंशन ले रहे हैं कि विपक्ष मजबूत हो रहा है? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके शुभचिंतक, आपके चाहने वाले, आपके वोटर्स आपसे जुदा हो रहे हैं, कट रहे हैं? नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? आप का पूरा सिस्टम आपका है, योगी जी आपके, अमित शाह जी आपके हैं, योगी मोदी जी आपके हैं, प्रशासन आपका है, पूरा सिस्टम आपका है, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? जीत आप ही की होगी, आप नहीं हारने वाले। लेकिन आपसे गुजारिश है, आप इस तरह की बात ना करें। आप क्यों इस तरह की बात करते हैं? आप तो एक धार्मिक इंसान है, आपकी जबान पर ये बात शोभा नहीं देती। हमें तकलीफ नहीं है। आप खूब बड़ी बड़ी यात्राएं निकालते हैं, आपके यहाँ पर मंदिरों में सुबह 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 2-2, 3-3 घंटे लगातार भजन होते हैं, लोगों की नींदें खराब होती हैं, वो आपको चिल्लम चाट नहीं लगती है? 2 मिनट की अजान आपको चिल्लम चाट लग रही है, 2-2, 3-3 महीने लगातार यात्राएं निकलती हैं आपकी, लोग परेशान होते हैं, आपको वहां पर वो चिल्लम चाट नहीं, बड़े बड़े DJ लगते हैं, लोगों के सीने हिल जाया करते हैं, तो वो चिल्लम चाट नहीं लगती है आपको? 2 मिनट की अजान आपको चिल्लम चाट लग रही है? क्या बात कर रहे हैं आप, किस तरह की बात करते हैं? हमें कोई तकलीफ नहीं है इससे, तो आपको क्यों तकलीफ हो रही है? आपसे गुजारिश है, आप हमारे मजहबी मामलात में दखल अंदाजी ना करें बिल्कुल भी। आपको क्या लगता है, आपने अजानें बंद करवा दी? याद रखें, आप बड़े बड़े हुक्मरान आए, फिरौन को तो जानते होंगे आप, हो सकता है जानते हों आप, फिरौन से बड़े बादशाह हैं आप, फिरौन से बड़े हुक्मरान हैं आप, चंगेज़ खान का नाम आपने सुना, चंगेज़ खान ने कसम खाई थी मुसलमानों को कत्ल ख़त्म करने की, चंगेज़ खान ने अपने सिपाहियों से कहा था कि एक एक मुसलमान की गर्दन काट कर अगर मेरे कदमों में ना डाली तुमने तो तुम्हारे सरों के मीनारे बना दूंगा, इस तरह कत्ल किया मुसलमानों को। लेकिन आज भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद हैं। आपको लगता है कि आपने स्पीकर हटा दिए तो अजानें बंद हो गई हैं? याद रखें योगी आदित्यनाथ जी, जब तक एक भी इस ज़मीन पर, रुए ज़मीन पर एक भी अल्लाह का नाम लेने वाला जिंदा रहेगा, तब तक अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद होती रहेंगी। जब तक एक भी बंदा अल्लाह का नाम लेने वाला रहेगा, अजान की आवाज़ें बुलंद होती रहेंगी, अजान बंद नहीं होगी। आप तो मुख्यमंत्री हैं, आप तो CM हैं, आप तो, आपका कोई असिस्टेंट होगा, आप उससे ज़रा राबता करें, आप रिसर्च करवाएं अजान पर, अजान क्या चीज़ है, अजान 24 घंटे होती है योगी जी। अभी जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, अभी भी अजान हो रही है, अगर 1 सेकेंड के लिए अजान नहीं रुकती है, अजान रेगुलर चलती है, अजान बंद थोड़ी हो जाएगी। आपको क्या लगता है, आप मानिए आप सत्ता में हैं, अभी 5 साल और अभी सत्ता में आ जाएंगे आप, 10 साल और आ जाएंगे सत्ता में, आप सत्ता में रहेंगे, लेकिन ये कन्फर्म है, आप आज हैं सत्ता में, कल नहीं होंगे,
लेकिन अजान आज भी हो रही है, कल भी होती रहेगी। मैंने क्या कहा था अभी, बड़े बड़े हुक्मरान आए मुसलमानों को कत्ल करने के लिए, अल्लाह अकबर की सदाओं को बुलंद बंद करने के लिए, लेकिन अल्लाह अकबर की सदाएं आज भी हो रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों ऐसी बात करते हैं आप? ये बातें इस तरह की आपकी ज़बान पर शोभा नहीं देती हैं। आप तो पैरों से लेकर सर तक एक धार्मिक इंसान हैं, आपकी ज़बान पर ये बातें शोभा नहीं देती हैं योगी जी? आप टेंशन ले रहे हैं क्या? आप फिर इस तरह की बातें करने लगे सभाओं में बैठ करके, ये भड़काऊ बातें इस तरह की कि अजान आने वाले वक्त में अजान को लोग भूल जाएंगे, अजान होती क्या चीज़ है? आपको लगता है स्पीकर हटा दिए तो अजान बंद हो गई हैं? अजानें आज भी होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अजानें बंद कभी नहीं होंगी, जब तक पूरी ज़मीन पर एक भी अल्लाह का नाम लेने वाला बंदा जिंदा रहेगा तब तक अल्लाह अकबर की सदाएँ बुलंद होती रहेंगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। लिहाजा मेरी अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह पाक हमारे इस भारत में अमन व सुकून अता फरमाए, हिंदू मुस्लिम भाईचारा अल्लाह पाक नसीब फरमाए, अल्लाह पाक हिदायत अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।